हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द टैग, यानी कि टैग ऑटो ज्ञान में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट जिसकी मुझे लगता है इंडिया में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। बेसिकली ये है एक वाटर फ्लॉसर। हमारे इंडिया में जो अवेयरनेस है, जो डेंटल अवेयरनेस है, वो काफ़ी कम है, ये डेटा बताते हैं। तो ये कोई पेड रिव्यू नहीं है, दिस इज़ माई ओन परचेज। और मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने व्यूवर्स के साथ ये शेयर करूं, क्योंकि हमारा चैनल तो ऑलरेडी एक टेक चैनल है, तो हम इसे ज़रूर शेयर करेंगे। बेसिकली द प्रोडक्ट इज़ ऑलरेडी अनबॉक्स्ड, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली एक हफ्ते से मैं इसे यूज़ कर रहा हूं और मुझे काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट्स लगे हैं। तो आइए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं इसको अनबॉक्स करता हूं, आपको दिखाता हूं उसके साथ क्या क्या मिलता है और ये प्रोडक्ट आपको क्यों परचेज़ करना चाहिए। ज़रूरी नहीं यही परचेज़, यही प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, आप कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हो। लेकिन मेरा आज का मकसद ये है कि एक वाटर फ्लॉसर का क्या फ़ायदा है आपकी डेली रूटीन में। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं इसके साथ आपको क्या क्या मिलता है। हाँ, तो दोस्तों इसको मैं करता हूँ अनबॉक्स और इसमें से क्या क्या निकलेगा वो मैं आप सबको बता देता हूँ, क्या क्या कंपोनेंट्स इसमें आपको मिलेंगे, कंपनी प्रोवाइड करेगी। बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, आपको सबसे पहले ये एक यूज़र मैनुअल मिल रहा है जिसमें आपको इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और ये है हमारा फ्लॉसर जो कि इसकी मेन यूनिट है, इसमें इसकी मोटर है जो कि प्रेशर प्रोड्यूस करती है। ये इसके ऊपर इसका कंटेनर है जिसमें आप वाटर को फिल करके यूज़ करते हैं। ये इसका कवर है, कवर कम ये आपका एक कंटेनर भी है जिसमें आपको अलग अलग तरह के जेट्स और अलग अलग तरह के ब्रशेस वगैरह आपको मिल जाते हैं, उसकी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले इसके मेन यूनिट के बारे में मैं आपको बता देता हूं। ये है इसका मेन कंटेनर जिसमें वाटर आप फिल करोगे। 600 ml का ये कंटेनर है, काफ़ी बढ़िया इसकी कैपेसिटी है। और ये है इसकी मेन मोटर, इसके साथ जो इसकी नोज़ल है, ये वायर इसकी स्प्रिंग लाइक यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। और ये काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे कम्पैक्ट तरीके से इसको यहाँ पे आप मैनेज करके रख सकते हैं। इसका भी मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ नोज़ल आपने कैसे फिट करनी है। यहाँ पे आपको एक गॉज मिल जाती है, स्विच लाइक मैकेनिज्म है, ऑन ऑफ, यहाँ पे ऑन ऑफ आपको पहले मिलता है, उसके बाद आप इसकी जो प्रेशर, जो PSI प्रेशर है, वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। और कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है जो कि ईजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यूज़र फ्रेंडली है काफ़ी ज़्यादा। और ये जो कंटेनर है, जो बॉक्स है, इसमें आपको अलग अलग तरह की टिप्स मिल जाती हैं जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको क्लासिक जेट्स मिल जाते हैं, पेरीडोंटल टिप्स मिल जाती है, यहाँ पे आपको ऑर्थोडोंटिक टिप्स मिल जाती हैं, आपको टंग क्लीनर के साथ ये आपको एक टिप मिल जाती है, और एक हाइड्रोलिक रोटेटिंग ब्रश भी मिल जाता है जो कि मेरा बेटा अभी अभी यहाँ से उठा के ले गया है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको टिप्स मिल जाती हैं। और यहाँ पे मैं आपको बेसिकली बता दूँ कि इस कंटेनर को फिल करके आपने यहाँ पे ऐसे प्लेस कर देना है, और इसका प्रेशर भी काफ़ी अच्छा है। और टिप्स लगाने का जो मेथड है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि अगर आप कोई भी टिप यूज़ कर रहे हो तो आपने सिंपली टिप को लगा देना है और प्रेस करना है, और विद ए साउंड आएगी आपको, विद ए क्लिक साउंड, ये आपको अश्योर हो गया कि ये यहाँ पे प्रॉपरली फिक्स हो चुका है। और ये ऑन और ऑफ़ का बटन है, यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में करके दिखाऊंगा। और ये टिप को रिलीज़ करने के लिए यहाँ पे एक बटन है, इसको आप जैसे ही प्रेस करोगे ये टिप ऊपर आ जाएगी और बाहर निकल आएगी। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो और अपने दांतों का ख्याल रख सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमने इस प्रोडक्ट को स्विच ऑन कर लिया है, प्लग इन कर लिया है, और ये आपका प्रोडक्ट जब भी आप इसको स्विच ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको ये मूवमेंट ज़रूर दिखाएगा, ये दिखाएगा कि ये स्विच ऑन हो गया, क्योंकि पंप इसका काम करना शुरू कर देता है। लेकिन आपने ध्यान ये रखना है कि आपने कभी भी इसको विदाउट वाटर यूज़ नहीं करना है, ठीक है जी। तो आइए आपको बताते हैं इसकी थोड़ी सी वर्किंग। तो सबसे पहले इस कंटेनर को हम फिल कर लेते हैं थोड़े से वाटर के साथ। तो ये मैं ज़्यादा नहीं फिल करता हूँ, इसको थोड़ा सा फिल कर लेते हैं। और फिल करने के बाद इसको आपने यहाँ पे
प्लेस करके थोड़ा सा जस्ट प्रेस करना है और एक हम कोई भी नोज़ल यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे ये सिंपल क्लासिक जेट यूज़ कर लेते हैं। लगाने के लिए जस्ट यू हैव टू प्रेस इट, ये विद ए साउंड ऑफ क्लिक ये आपका ऑन है। तो यहाँ से अभी मैं इसको स्विच ऑन करने वाला हूँ और इसकी इंटेंसिटी मैं कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ ही इंटेंसिटी रखूँगा, ज़्यादा फास्ट नहीं रखूँगा इसको मैं। ये मैं इसको थोड़ा इधर घुमा लेता हूँ। अभी ये हाफ़ इसकी इंटेंसिटी है, हाफ़ भी नहीं है। अगर हाफ़ इंटेंसिटी पे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो इसका जो प्रेशर है वो काफ़ी अच्छा है। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अभी ये सिर्फ़ हाफ़ इंटेंसिटी है। अगर मैं और थोड़ा प्रेशर बढ़ाऊँगा, तेज़ करूँगा इंटेंसिटी को, तो ये और तेज़ी से काम करना शुरू करेगा। तो आप सोच सकते हो कि इस तरह के प्रेशर से ये आपके जो इंटर टीथ स्पेसिस है उसको ये कितनी आसानी से साफ़ करने की कैपेसिटी रखता है, कैपेबिलिटी रखता है, जिसकी वजह से आपके दांत बिल्कुल हेल्दी रहने वाले हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। हाँ तो फ्रेंड्स, आई होप ये प्रोडक्ट आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट आपको इसीलिए है क्योंकि ये प्रोडक्ट आपके डेंटिस्ट की जो फीस होगी उसको कट करने वाला है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप अपने डेंटल हाइजीन, अपनी डेंटल हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो फॉर श्योर ये आपके पैसे बचाने वाला है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।